चमन सिंह जी ऐसा बता रहे हैं कि उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है और उनको ऐसा मालूम नहीं था कि जोधपुर में भी कुछ ऐसा है कि जिससे वो जो उत्तराखंड में जाते हैं जैसा अभी इन्होंने कहा वैसी अनुभूति होती है। तो आज ये इनको देख के अपने शब्दों में ही बताएंगे कि यहाँ ये झिरमिर के बीच में उनको कैसा लग रहा है। बहुत शानदार लग रहा है। और ये फवारे जब हम मतलब मैं अलग अलग मौसम में उत्तराखंड जा चुका हाँ हूँ नहीं सर बहुत अच्छा बहुत लगता है। अच्छा। और मेरा तो सर करीब करीब 97-98 से पूरा प्रयास रहता है कि हर साल सप्ताह 10 दिन कुदरत के साथ पहाड़ों में जाना, उनके साथ रहना। अगर नहीं जाए ना इनको लगता है मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इनको ऑक्सीजन वहीं से मिलती है, साल में एक बार जाके एकदम रिफ्रेश एक होता छोटा है। सा रूप, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ उत्तराखंड आ गया, लेकिन एक छोटा सा बहुत नहीं छोटा सा बहुत रूप प्यारा ये है। प्रयास करके और ये जोधपुर में जो आपने दिखाया है छोटी ये सी अपने जगह आप में में इतना अद्भुत बड़ा है। और काम ये हो सर वास्तव में जो आप कहते हैं ना कि मैं ठाकुर जी की सेवा और पूजा, यही सच्ची सेवा और पूजा के रूप में आज हम लोग देख पा रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की पूजा की जाती है। मेरी 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 मदर बहुत पूजा सेवा करती हैं, 4-5 घंटा रोज करती हैं। तो मुझे ये वो बोलती हैं कि तू भगवान की पूजा कितनी कम करता है, बैठता है और उठ जाता है। मैंने कहा जब मैं वहाँ गार्डन में होता हूँ तो भगवत गीता से 12वां अध्याय 15वां अध्याय उन्होंने याद करवाया था बचपन में, उससे शुरुआत होती है, विष्णु सहस्र नाम, हनुमान चालीसा, फिर बहुत से श्लोक उन्होंने सिखाए हैं, वो श्लोक, उसके बाद कीर्तन और उसके बाद भजन। तो ये 3 घंटे का रोज का नियम है कि यहाँ पे होता है। मैंने कहा बस मेरा भगवत चिंतन वही है। ये सबसे बेस्ट है सर, बहुत ही बढ़िया। इनका भी ये सुबह जब वर्क पे शुरू होते हैं तो भक्ति शुरू करते हैं, शाम तक भक्ति में रहते हैं। बस तो यहाँ जब काम करता रहता हूँ तो वो हनुमान चालीसा तो कंटिन्यूस बस जैसे चलती रहती है। वो एक चीज़ और है, आपने शायद उस पर देखी तो होगी फेसबुक पे। देखता हूँ मैं, हाँ, देखिए क्योंकि आप अब रेगुलर देख रहे हैं। और एक चीज़ आपको बहुत अद्भुत बताता हूँ, जी वो सर, जो ठाकुर जी की बात कर रहे हो ना, जी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ठाकुर जी साक्षात यहाँ बसे हुए हैं। वो गणेश जी दिखाए थे आपने, एक बार ऊपर दिखाए थे आपको इस झरने पे, आप ऊपर जाओ जहाँ से पानी गिर रहा है, हाँ हाँ सबसे ऊपर वहाँ जाके देखो आप पास में। नहीं, इधर से देखोगे, सामने से, सामने से, हाँ, अब सबसे ऊपर वाला देखो जिस पे पानी गिर रहा है, सबसे ऊपर वाला जो ऊपर से पानी गिर रहा है वो सफेद जो, कुछ नजर आया आपको? क्या नजर आया भाभी जी आपको? मेरे को तो यहाँ से साक्षात गणेश जी बैठे जैसा लग रहा है। मतलब आपको भी नजर आए? तो ये एक्चुअली हमने बनाया था, करीब 18 साल हो गए इसको बनाए हुए, हमको भी इसकी अनुभूति नहीं थी। ये 4-5 साल पाल इन्होंको एक दिन सुबह सुबह जब आई तो मुझे बोली एक आप आके झरना देखो, तो मैंने कहा नहीं मैं काम कर रहा हूँ अभी, टाइम ही नहीं ख़राब करूँगा। ये बोले एक बार आओ, ये बोलती रही मैं मना करता रहा, अरे बोले आओ ना ये कुछ तो कभी मेरी सुन लिया करो। फाइनली मैं आया, बोले गौर से देखो, तो मैंने कहा क्या देखूँ यार रोज़ देखता हूँ। बोले नहीं देखो आप नहीं देखते हो रोज़, यही तो प्रॉब्लम है। फिर जब देखा तो एकदम लगा साक्षात विराजमान है यहाँ पर। तो जब ये आके बैठ गए, लोग मुझे पूछते हैं आप क्या खिलाते हो, मेरे मेरे फादर इन लॉ मुझे पूछते हैं कि इनको आप खिलाते क्या हो, ऐसे फूल आते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या है। मैंने कहा प्यार, प्रेम, स्नेह और इनसे जुड़ाव। ये चार चीज़ों में सब कुछ आ गया, पूरा पोषण हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। इनका नाम, इनके फादर इनको कमल बोलते हैं, और कल ही आई और कल ये खिले। देखो आप, ये कमाल का चमत्कार है ना ईश्वर का, ये कुदरत को महसूस किया जाना है बस। तो ठाकुर जी तो मन से याद करो बस, दिल से, और वो बस आपके लिए तैयार है। हमको सिर्फ मन से सोचने की ज़रूरत है, उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, केवल आपका भाव मात्र, अंदर आपका एक सोच विचार। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा भाभी जी, और आप आए,
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद चमन सिंह जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ना ये मेरी है ना मैं कुछ हूँ, निमित्त उन्होंने बनाया, सेवा का एक बहुत अच्छा मौका दिया और शायद मेरा जीवन इसके बाद में हर साल बदलता जा रहा है। मुस्कुराहट अब सबसे सुंदर गहना, जो बोलते हैं कि आपके शरीर पे सबसे गहना सुंदर क्या है, तो मैं मानता हूँ कि अगर मुस्कान अगर आपके पास में है तो आप अरबपति हैं, क्योंकि वो पैसों से नहीं खरीद सकता इंसान, वो सिर्फ दिल से ही जब आपके मन में वो भाव होते हैं तभी आती है, वरना वो दिखावे वाली स्माइल जो होती है वो ही रहती है। बहुत अच्छा लगा, स्वागत है, और आप जब पधारना चाहें मेरे से बात करके आप हमारे साथ बैठ के गार्डन में गोकुल में चाय पी सकते हैं। और आप जो वैसे मैं सबको मना यही करता हूँ कि भाई आप प्लीज़ कुछ लेके मत आओ, आपका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, क्योंकि जब आके दो बात आप इन बच्चों के लिए बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इनका दिन बन गया, क्योंकि ये भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए भी कोई आए जो वो बोले कुछ। और नॉर्मली आते हैं लोग, देख जाते हैं, कुछ लोग कुछ कह के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं फ़ोटो खींचती है चले जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो ये यादें दिल में समेट के हमेशा के लिए ले जाते हैं, और उनका मन रहता है कि वापस हम ज़रूर आए, तो मन में हिचकिचाहट नहीं रखें। सिर्फ ये जानना ज़रूरी है मैं यहाँ इस समय उपलब्ध हूँ, और सुबह वैसे तो 10-11 बजे तक तो मेरा पानी का रूटीन रहता है, कि मुझे 6 घंटे 4.5 घंटा सुबह लगता है पानी पिलाने में और 2.5-3 घंटा शाम को लगता है। हाँ, कोई माली नहीं है, कोई बागवान नहीं है, तो करीब 8.5-9 हज़ार बच्चों की छोटी सी दुनिया है मेरी ये। एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आप यहाँ आए हो, मम्मी आपके पीछे पड़ी थी कि मुझे भी लेके जाना है, मुझे जाना है जोधपुर जाना है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि जोधपुर में ऐसा कुछ होगा, तो मैं मम्मी की बात को सीरियसली नहीं ले रही थी कि अच्छा जोधपुर जाना है, वहाँ पे बहरानगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे उम्मेद भवन है, तो वहीं चाहिए जाएंगे एंड वी वॉच दैट एंड जस्ट डू द टूरिस्टी स्टफ। तो बाद में जब अब मैं यहाँ पे आई हूँ एंड नाउ इट्स लाइक oh my god, I don't think I Mehrangarh Fort does anything better than what we see here. So matlab the word jannat jo sare bol rahe hain na wo seriously fort and fort mein jannat hi hai yahan pe jo aapne create kiya। But aisa kya dikha aapko ki jo aapko ye shabd aapke muh se nikal raha hai? I mean you are able to and you can speak in Punjabi also, of course, yes। I will try to be as natural as possible। Yeah be natural। I saw you were clicking those water lilies which were just opening up. Yeah. So that I can like watch that video every morning and I'm like, okay, mummy, I'm in the video page, bro, so that I can look at it. So this is her phone I was clicking on. So, a special thanks to? Mom, definitely, and to you. इसके पीछे पड़ी रही थी मैं, कब से बोल रही थी कि वहाँ पे जो है काबरा बेटी ने बोला है 15 मार्च से पहले और बहुत सारा आपको ब्लूम मिलेगा। एग्जैक्टली पीपल थिंक यार डेजर्ट टाउन है और गर्मी बहुत होती है, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हैं। शी इज जस्ट ट्राइंग बिकॉज जाना है इसलिए इसको ओवर डू कर रही हैं, राइट? दैट इज व्हाट यू थॉट? दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई थॉट, लाइक शी इज ओवर सेलिंग इट, इतना कुछ होगा नहीं, राइट? लाइक नाउ आई सी कि मतलब नर्सरीज में जनरली क्या होता है कि वैसे वहाँ पे मैं जाती हूँ ना, आई गो टू अ लॉट ऑफ नर्सरीज, बट ऑब्वियसली जो ये दिल्ली या जहाँ पे भी और आसपास है, यू डोंट सी एनी वैरायटी एंड इट इज़ लाइक अ मास प्रोडक्शन, वही चार कलर्स मिलेंगे, वही चार प्लांट्स मिलेंगे, देर इज़ नो वैरायटी।
यहाँ पे इतने कलर्स हैं, लाइक द कलर्स आई हैव नॉट कम अक्रॉस इन ऑल माय ट्रैवल्स एंड आई ट्रैवल अ लॉट राइट सो इट्स जस्ट अमेजिंग लाइक द अ सिंगल प्लांट हैज प्रोबेबली 10 टू 15 कलर्स इन इट एंड इट्स लाइक ऐसा कलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं एंड एवरी कलर आई एम लुकिंग एट आई एम लाइक ओ ये कलर देखो मम्मी वो कलर देखो मम्मी लाइक मम्मी इज लाइक मैंने तो बताया ही था So and what did you share some of your photos with your family members or maybe your friends? Oh, definitely. I've shared it with more than that yesterday. I shared it with my office friends. Okay. Right. And then today also, so everyone is sending happy Holi wishes and everything. Right. So I was waiting for the perfect time to send the video of these flowers. Right. So for me, this is my Holi. Like itne colors, itne aapke Holi ke rangon mein colors nahi hai jitne yahan pe hai. So I sent them the video और उनका मेरे को वीडियो आगे से जवाब आई सेड दिस इज द काइंड ऑफ होली आई लाइक और वो मेरे को आगे से बोल रहे हैं वाओ दिस इज वन काइंड ऑफ होली एंड हाउ इज दिस ओह दिस इज अमेजिंग दिस इज लाइक वेरी सॉफ्ट फीलिंग एंड मिस्टी एंड नाइस एंड बट देन बिकॉज आई रियली फील तो मैंने उनको जवाब दिया सो दैट ये एक्चुअली दे शुड ऑल्सो कम एंड सी दिस प्लेस तो मैंने उन्हें बोला है कि ये तो वन काइंड ऑफ अ होली है ही But I'm visiting a renowned gardener and actually he is one of a kind and I am not exaggerating at all. I think you have, I would feel. See, what I feel is ki main to abhi just I am starting to learn what is gardening. And just starting. After you saying after 55 years of your yes. dedicated effort that you put in here. Of course, I work like 7 to 8 hours every day. बट रोज़ ये फूल मुझे कुछ नया सिखाते हैं एवरी डे आई लर्न एंड आई मेक सिली मिस्टेक्स इन स्पाइट ऑफ दैट लोग बोलते हैं ना कि यार तू क्या मेरे से बेस्ट कर रहा है 50 साल हो गए बच्चा है तू और मेरे से इस सब्जेक्ट पे यू आर डिस्कसिंग बट आई फील कि हूएवर आई मीट इवन इफ यू लाइक यू आर हैव अ स्मॉल बालकनी इन गुड़गांव यू आर स्टेइंग इन गुड़गांव यू हैव अराउंड 50 pots 40 pots तो आप भी कभी कभी कुछ बात ऐसी बोल देते हैं विच मे बी आई हैव नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ गार्डनिंग सो यू पिकअप एंड दैट इज हाउ आई हैव लर्नड गार्डनिंग सिंस आई डोंट हैव एनी बोटैनिकल बैकग्राउंड और हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड बट स्टिल लर्निंग फ्रॉम एनी वन हु कम्स टू विजिटिंग एनी वन हु इज वर्किंग इन अ नर्सरी इवन अ लेबर वेरी ऑर्डनरी लेबर जो पानी पिला रहा है या पॉट्स उठा के दे रहा है या आपके लिए पॉट्स निकाल रहा है Even he teaches you a lot if you are prepared to learn. Right. और अगर वाकई gardening सीखना है तो one has to connect with anyone who's connected to nature. Right. Provided he is ready to do that. Because people are not willing to share what they know. Oh really? They are not. Because then you become my competition. Oh, competition, yeah, that is of course. And everybody see and second thing what I do is what I suggest everyone. ये मेरे दिल के सुकून के लिए मैं करता हूँ पीपल इन जोधपुर डोंट नो व्हाट इज गोकुल इवन अराउंड माय हाउस दिस हाउस कुचामन हाउस पीपल डोंट नो जब आके लोग पूछ लेते हैं कि भाई गोकुल जाना है बोले गोकुल कुछ है ही नहीं है मैंने अभी मैं और मम्मा अभी ऑटो लेकर आए हैं कि अंदर तक ऑटो नहीं आता है गाड़ी नहीं आती है ऊपर है ना तो ऑटो लेकर आए तो ऑटो वाला पूछता है मैडम आप मिर्तिया गेट पे क्या ढूंढने जा रहे हो आप तो यहाँ पे टूरिस्ट करने आए हो ना मेहरानगढ़ फोर्ट देखो उम्मेद भवन देखो तो मैंने पहले तो उसे बोला कि हम तो किससे मिलने आ रहे हैं बाद में मैंने जब जैसे ही वो एंटर किया ना गेट तक पहुंचे वो तो देन आई वाज लाइक भैया दिख रहा है आपको हल्का सा ग्लिम्प दिख रहा है तो ये बेसिकली आपका अभी टूरिस्ट स्पॉट ये नंबर एक ऐड हो गया है अभी इसके बाद आप लोगों को ना यहाँ पे भी लेके आया करो सो इफ यू वॉन्ट दिस इज वॉट माई मेरे को लोग बोलते हैं कि सर वाई डोंट यू शेयर योर टिप्स सी टिप्स रियली डोंट हेल्प दैट्स माई व्यू ऑफ गार्डनिंग बिकॉज टिप्स में आप थोड़ा बहुत लेते हैं आधी जानकारी मिलती है एंड आधी जानकारी इज ऑलवेज बैड आप जो अच्छा करने की मन से करने दिल से करने की कोशिश करते हैं वो आप कर नहीं पाते बल्कि उल्टा हो जाता है जैसे प्लांट आपका खराब हो गया अब आपको लगेगा कि उन्होंने मुझे ये शेयर किया मैंने तो उनके हिसाब से किया था बट देन यू हैवंट एबल टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सो दैट इज़ हाउ यू लूज योर प्लांट आपको गार्डनिंग जो आप सीखना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं सो अगर कोई आपको ऐसा मिले
जो आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, एंड ऑनेस्टली, आई मीन दैट्स अ वर्ड, आई ऑनेस्टली, क्योंकि एवरीथिंग इज कमर्शियल दीज डेज. एंड दैट्स व्हाट आई फील इन नर्सरीज. व्हेन आई गो टू द नर्सरी, आई मीन आई हैव नो अदर वे टू यू नो गेट अ प्लांट्स, लाइक इफ आई वांट टू लाइक बिल्ड माय बालकनी लाइक इमीडिएटली, राइट? सो आई गो टू द नर्सरी एंड वहां पे एक तो लिमिटेड वैरायटी ऑफ एवरीथिंग, एंड इफ आई आस्क द पर्सन इसका टेक केयर कैसे करना है, आई फील उन्हें भी ज्यादा पता नहीं होता है. नहीं नहीं, मैं आई टेल यू व्हाट, कुछ प्लांट्स का पता होता है, हर एक का नहीं पता होता. सी अगेन, दिस विल बेनिफिट, माय आंसर माइट बेनिफिट पीपल. जो आप नर्सरी में जाते हो, सी दे आर एब्सोल्युटली कमर्शियल नाउ. यस, एब्सोल्युटली कमर्शियल. आपको एक प्लांट पसंद आ गया, एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यानी गो टू अ नर्सरी, नेवर अप्रिशिएट अ फ्लावर, नेवर अप्रिशिएट अ फ्लावर. आप मन में कर लो, अपने साथ वाले के कान में बोल दो, बट नेवर बी लाउड. द मोमेंट ही लिसन्स, योर प्राइसेस आर वन एंड हाफ टाइम्स, बिकॉज ही नोज कि इनको लेना ही है, इनको पसंद आ गया है. सो एक तो जब भी नर्सरी जाएं, देखिए अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, बट बी, क्योंकि एवरी इट इज़ कमर्शियलाइजेशन, और हर जना एंड पीपल डोंट केयर कि आपसे एक रुपये, जो 10 रुपये का प्लांट है उसका 15 ले लिया, 20 ले लिया, इट डजेंट मैटर, नंबर वन. सो लुक एट इट, डोंट फॉल प्रे फॉर अ ब्यूटिफुल फ्लावर. आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर गार्डन, एंड वेदर यू वुड डू जस्टिस टू दैट प्लांट, आप उसको रख पाएंगे या वो 3 महीने में ख़राब हो जाएगा. योर क्लाइमेटिक कंडीशन, योर टाइमिंग, डज दैट विल सूट यू. सो व्हेन यू गो एंड बाय अ प्लांट, तो आप पहले सोचिए आप कितना टाइम देते हैं. आप एग्जॉटिक प्लांट लेते हैं 500,000, इट कॉस्ट एनीथिंग नाउ, और फिर जब वो ख़राब होता है तो दुख होता है. अच्छा, आप उसको भैया को पूछते हैं, नर्सरी वाले को, भैया ये साल भर चलेगा ना, साल भर फूल देगा ना? ही वुड से हाँ हाँ बीबी जी ले जाओ आप, तो बहुत अच्छा बहन जी ले जाओ आप, और चलेगा, बस पानी आप ऐसे देना, ये करना वो करना, ही वुड जस्ट से. अब वो प्लांट खाली विंटर फ्लावर है, अब वो नेचुरल है, विंटर फ्लावर है, तो वो सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा. एंड देन व्हेन यू गो टू दैट नर्सरी, आप पूछोगे भैया जी आपको तो मैंने पूछा था, एक तो इतना महंगा दिया आपने, और वो तो 1 महीने में ही ख़त्म हो गया, आपने पानी नहीं दिया होगा, आपने धूप में रख दिया होगा. सो डोंट फॉल प्रे फॉर, अगर आपको नहीं समझ में आता है, सपोज़ यू आर गॉन टू अ नर्सरी, आपको प्लांट पसंद आ गया है, तो आप, बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है, घर जाओ, आजकल तो गूगल बाई इज एक्सेलेंट, तो गूगल विल एबल टू, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल ही जाएगी, बट अगेन नॉट नेसेसरी 100%. मैं फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज करेक्ट, 90-95% यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, बट एट टाइम्स इवन द फ्लावर्स वॉट गूगल सेज कि आप जैसे ढूंढते हैं उसमें लेंस में, तो कई बार वो नहीं होता है, इट इज़ डिफरेंट, बट यू कैन रिलाई 95-97% ऑन गूगल. सो आप जाइए देख लीजिए, वापस दूसरी बार लीजिए, एक बार चक्कर लगेगा ना, बट देन यू वॉन्ट बी killing a plant. Right. I mean, buying a plant is a different issue. I have failed so many times. So that is why. So this, I know the pain. So it is good that I was talking to you. और आज ये issue मैंने कभी नहीं किया touch, but आज मैंने touch किया. Maybe this will help. Whoever see this video will help. And do gardening for yourself. I do that. Do gardening for yourself. कि मुझे first prize मिलेगा, second मिलेगा, होता क्या देखिए. See. पार्टिसिपेशन इज गुड, बट विथ एन एक्सपेक्टेशन कि मुझे ही मिलना चाहिए, शुड नॉट बी देयर. फिर क्या होता है जब आपको नहीं मिलता ना, फिर आप बोलते हो, फिर आपके दिमाग में एक ही आता है, यार इसके तो वो पहचान वाले थे, इसीलिए उसको दे दिया. एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला हूँ. फिर आप सोचते हो यार इतनी मेहनत करके फायदा क्या हुआ, ये तो मिलना तो उसी को ही था. सी आज के तारीख में वी आर लिविंग अंडर सच प्रेशर्स, whether you are working woman, whether you are आप housewife हैं या बच्चों की माँ हैं, जो भी हैं, प्रेशर्स काम का बहुत होता है. तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू रिलीज योर प्रेशर्स, दिस इज द बेस्ट वे टू बी योर सेल्फ, और द स्माइल विच यू आर पासिंग राइट अवे, दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ द स्माइल. यू कैन गेट अ स्माइल, just have a cup of tea with your plants. Yes. Even your family members who are not enjoying your gardening or who are not loving your gardening, right. I guarantee you 3 months or maximum 6 months,
उनका भी इंटरेस्ट होगा, वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे लेकिन सुबह आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके प्लांट में जो फूल खिला है ना उसको देख के स्माइल करके, एंड यू कैन क्लिक अ फोटो एंड सेंड मी व्हेन यू फाइंड दिस, इट विल हैपन, इट विल हैपन. I agree with you, like every morning if I am waking up and smiling like this, of course my loved ones would love to see me like this, and yeah. they just feel, you know, why, how is she smiling so much, and they'll want to find the reason, and it you would become an inspiration for them. Yes. And that is how we can make this world beautiful. Thank you, it was pleasure having you. From you have come on lot of insistence from your mother. Yes. Absolutely. Or, and she has come from Bhatinda, you have come from Gurgaon. Yes. It was great work welcoming you, and hope rest of your trip to Jodhpur, you would love going to Mehrangarh Fort and Umed Bhavan. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.